हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोड़ाज इन्फोटेक। आज हम प्रेडिक्ट करेंगे जो कल का मैच होने वाला है बिटवीन KKR एंड RCB। 20 सितंबर का मैच होने वाला है आबू धाबी में। आबू धाबी का जो पिच रिपोर्ट है, ये सब डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, पहले आंसर देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे दोस्त आंसर पहले बता दूंगा, फिर मैं डिस्क्राइब करूँगा डिटेल में, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 320, मतलब दोनों इनिंग्स में टोटल कितना स्कोर होएगा। ये फिर आता है कि एबी डिविलियर्स हाउ मच स्कोर, तो मैंने 54 दिया है। आप इन्हें रेंज ले लेना, 40 टू 60 के बीच में आप कोई भी रेंज दे सकते हो, क्योंकि एबी डिविलियर्स डाउन द लाइन फोर्थ या फिफ्थ डाउन पे आते हैं, तो तब तक थोड़ा सा ही बचेगा, तो आप 40 टू 60 रेंज दे सकते हो। बाकी हु विल स्कोर द मोर रन्स, रिकॉर्ड के वाइज जाया जाए तो आप नीतीश राणा को फॉलो कर सकते हो, बट आई विल गो विथ विराट कोहली। हाउ मेनी इंडियंस इन्वेस्ट, ये कंफर्म आंसर है, तो इसको 15 मिलियन ही देना, ठीक है, इससे चेंज मत करना। और हु विल कंसीड लेस रन, मैं वरुण चक्रवर्ती बाद में बताऊँगा क्यों वीडियो में। देन हु विल विन द दिस गेम, मुझे बैंगलोर ही लग रहा है, क्योंकि बैंगलोर के सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। चलिए अब डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला है व्हाट विल बी द एग्रीगेट स्कोर ऑफ दिस गेम, तो मैंने 320 दिया है। जैसे मैंने बोला था, मैच होने वाले है आबू धाबी में, वो आबू धाबी में एवरेज स्कोर जो है वो है 160 to 170, तो उस हिसाब से लो तो मोर देन 320 हो जाता है, बट लक अगर ख़राब हो और बहुत जल्दी आउट हो जाए तो इट विल बी डिफरेंट सिनारियो। फिर होता है हाउ मेनी रन्स एबी डिविलियर्स स्कोर, मैंने पहले ही आंसर बताते टाइम बोल दिया, क्योंकि वो आते आते ही फोर टू फिफ्थ डाउन हो जाता है, तो उसके बाद उनके पास उतनी ही बॉल रहते हैं जितने में वो रन को स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 से लेके 60 तक का आप रेंज दे सकते हो। हु विल स्कोर द मोर रन्स, आप स्टैट के हिसाब से जाओ तो नीतीश राणा का अच्छा फॉर्म है और IPL में, विराट कोहली लेकिन अभी बहुत ही शानदार फॉर्म में है, और मेरे हिसाब से विराट कोहली, बट आप अगर प्योरली स्टैट के हिसाब से जाओ तो आप नीतीश राणा को दे सकते हो। ये आंसर परफेक्ट है, करेक्ट है, 15 मिलियन होएगा। हु विल कंसीड द लेस रन, दोस्तों युवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती का देखा जाए ऑलमोस्ट सेम है, वरुण चक्रवर्ती का इकोनॉमी थोड़ा सा अच्छा है, उनका 7 पॉइंट है तो इनका 8 पॉइंट कुछ है, लेकिन आजकल युवेंद्र चहल इतने सही फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और वरुण चक्रवर्ती फिलहाल थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में है, और कोलकाता में उनको सपोर्ट भी मिल जाता है, और जो ये आबू धाबी वाला पिच है वो मतलब ऑन एन एक्शन स्पिन के लिए सपोर्टिव है, तो दोनों ही सही परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती विल बी द की प्लेयर। तो हु विल विन द गेम, बैंगलोर ही है, क्योंकि बैंगलोर के सारे बंदे अभी फॉर्म में है, विराट कोहली ले लो, सिराज ले लो, और बाकी उनके डेविलियर्स, तो आई थिंक बैंगलोर काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में है, और ये IPL मोस्ट प्रॉबली, वैसे तो मैं मुंबई को सपोर्ट करता हूँ, बट आई थिंक बैंगलोर कैन क्लिक दैट वन। तो दोस्तों, ये था आज के IPL कल का IPL मैच का प्रेडिक्शन। आप मेरे प्रेडिक्शन के साथ साथ अपना थोड़ा सा एनालिसिस लगा लेना इंटरनेट से और डाटा लेके, फिर ये खेल सकते हो, आप अभी भी खेल सकते हो, बाद में इसको आंसर को चेंज भी कर सकते हो, आप अराउंड टॉस के टाइम तक देख लेना, टॉस जो विन करेगा मोस्ट प्रॉबली वो अगर पहले मोस्ट प्रॉबली बॉलिंग लेगा, क्योंकि इस ग्राउंड का जो स्टैट है उसके हिसाब से जो सेकंड जो बैटिंग करते हैं वो ज़्यादा टाइम जीता हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।